देखिए सनसेट हो रहा है और मैं महानदी का, ये तो ओडिशा का सबसे बड़ा नदी है, रिवर है, वहीं खड़ी हूँ। और यहाँ से मेरा फार्म हाउस बहुत ही पास में है, बहुत ही पास। तो फार्म हाउस जाने से पहले ये देखिए कितना नज़ारा अच्छा है, सनसेट भी हो रहा है और चारों तरफ पानी। यहाँ आप ये है मेरी पेरेंट्स, हम लोग सब आए हैं खाने के लिए, होटल मेरियन में बैठे हैं। और ये मेरी पापा, ये मेरी मम्मी, से हेलो। इंडियन फूड देखा और जो ऑथेंटिक जो स्मेल जो टेस्ट होते हैं ना, तो मैंने भूल गई और अच्छे से मेरा लंच को एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया जे यहाँ पास में मेरा फार्म हाउस है, उधर घूमने जाएंगे। देखते हैं इतने दिनों से फार्म हाउस का हालत क्या है। वो इको विलेज ही है, क्योंकि उधर जंगल पहाड़ के अंदर एक छोटे छोटे कॉटेज के साथ लैंड है, और अच्छे से मेंटेन हो रहा है कि नहीं, हम लोग चले चेक करने के लिए। तो आपको ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगे, बने रहिए और देखते रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजरिका मिश्र, माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। आपको ये लगता होगा कोई नया जगह में आ गई हूँ, हाँ, अब मैं इंडिया में हूँ और ओडिशा में हूँ, और मैं घूमने आई हूँ मेरे फार्म हाउस को। तो ये एक अपॉर्चुनिटी था आप सबको मिलाने के लिए, जे बहुत ज़्यादा जंगल के अंदर फार्म हाउस है, और अकेला मेरा नहीं है, ऐसे 40 मेंबर को लेके ये बहुत ही बड़ा लैंड के अंदर, हर एक के लिए एक एक कॉटेज है और लैंड डिफरेंट है। तो मेरा 12,000 स्क्वायर फीट का लैंड है, और बहुत अच्छा पेड़ हुआ है और ग्रोथ भी बहुत अच्छा हुआ है। बहुत सारा कोकोनट प्लांट, मैंगो और लीची का प्लांट्स है। तो चलिए आज मैं आपको मेरा फार्म हाउस विजिट करवाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ये ब्लॉग, आप थम्स अप देना मत भूलिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट दे दीजिए, और जो नया सब्सक्राइबर आते हैं और सब्सक्राइब बटन का दबा दीजिए, साइड में एक बेल है उसको हिट कर दीजिए, तो आपको हर कोई आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए, इको फ्रेंडली होम में आपका स्वागत है। एक्चुअली ये जो पाथवे के साइड में आप देख रहे हो, ये स्ट्रीट लाइट नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन चारों तरफ जो सराउंडिंग में नहीं है, सिर्फ आपको कॉटेज के अंदर मिलेगा। और ये सोलर लाइट है, चारों तरफ वादियों के साथ जंगल के साथ ही आपको रहना है। जो एक्चुअली जो बोलते हैं ना, जो जंगल को पेड़ पौधों को प्यार करता है, उसी के लिए ये जगह बहुत ही अच्छा है। पीछे जो बिल्डिंग है ये क्लब हाउस है, आप गाड़ी को बहुत दूर में पार्किंग लॉट में पार्क करके वॉक कर करके खुद का कॉटेज में आओगे। यही सब कॉटेज के बीच मेरा भी एक छोटा सा कॉटेज है जो फुली इक्विप्ड है, आपको किचन भी है, डाइनिंग टेबल है, उधर बेड भी है, सब कुछ प्रोविजन दिया हुआ है, वॉशरूम है, ये एक एक सबका है। तो सिर्फ लैंड किसी का बड़ा छोटा है, लेकिन और सब कुछ सेम है। चारों तरफ देखिए कितने सीनिक व्यू, और देखिए ये टायर में कैसे पेड़ों के साथ लगा दिए हैं, सब कुछ आप यहाँ जहाँ भी देखोगे नेचर का रिलेटेड ही होगा, कुछ भी ऐसा बाहर का सामान नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं किसी किसी का सबका कॉटेज को दिखाऊंगी, जो बहुत ही सुंदर सुंदर और मेंटेन करके रखे हैं। मैं तो बहुत दिनों के बाद आई, और सबसे इंटरेस्टिंग आज हॉलीडे है और मेरा रूम का चाबी और मेंटेनेंस वाले के पास है, तो मैं खोल के अंदर भी नहीं जा पाई। लेकिन मैं दिखाऊंगी किसी और का कॉटेज जो बहुत ही सुंदर से मेंटेन हुआ है, और वीकेंड में यहाँ आप आ सकते हो, और सिक्योरिटी गार्ड भी है और मेंटेनेंस लड़के भी सब हैं जो मेंटेन करते हैं। किसी किसी का पेड़ में तो बड़े बड़े फ्रूट्स भी आ गए,
और मैं मेरी पिताजी को बोल रही हूँ जे आप कैमरा पकड़ो, मैं थोड़ा घुमा रही हूँ, और मेंटेनेंस लड़का को भी बोल रही हूँ जे देखिए कैसा ये अच्छे से सुंदर मेंटेन हुआ है। तो मेरा भी ग्रास वगैरह जो बढ़ गए हैं मेरे कॉटेज के अंदर, आप थोड़ा काट दीजिए। तो चलिए एक टूर बनाते हैं, इको फ्रेंडली हाउस टूर। तो देखिए ये है एंट्रेंस पॉइंट, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप अंदर जैसे ही आओगे साइड में ये आपका रूम है जहाँ आप रेस्ट कर सकते हो, लाइब्रेरी है, ये मेंटेनेंस ऑफिस है, और यहाँ सिक्योरिटी रहता है, हर कोई घर का की इधर रहता है, और ये है रास्ता जहाँ जा पाओगे। तो देखिए ये हर कोई घर, इतने ही कॉटेजेस यहाँ है, जस्ट 60, मैंने आपको बोला 40 लेकिन 60 है। तो देखिए देखिए कितना रास्ते में फूल हुआ है वो पाथवे में, और सबका कॉटेज सेम ही है लुक वाइज, लेकिन अंदर अब आप जाओगे आपका खुद का इमेजिनेशन से आप कुछ भी डेवलप कर सकते हो, आइडिया दे सकते हो। गार्डनर है, वो आपका पेड़ का अच्छे से ख्याल रखता है, मेंटेनेंस वाला है, वाटरिंग करते हैं, और कुछ भी है, आपको 50 या 60 प्लांट्स का चॉइसेस मिलता है। ये तो आप देखिए ये कॉटेज बहुत ही सुंदर है, और बेंच भी है बैठने के लिए, मेरी माँ बेंच में बैठने के लिए आ रहे हैं क्योंकि पूरा थक चुके हैं। वो बहुत ही बड़ा एरिया है, गाड़ी अंदर इतना जाने नहीं देते हैं क्योंकि वो इको फ्रेंडली विलेज है, तो आपको ख्याल तो रखना है, आप वॉक करके चारों तरफ घूमो। मुझे तो ये कॉटेज बहुत ही पसंद आया, कितने सारे देखिए कितना अच्छे से मेंटेन किए हैं, और सबका घर आप दूर से भी देख रहे हो सबका इक्वली है, घर का जो लुक जैसे समान ही है, लेकिन लैंड किसी का बड़ा किसी का छोटा है, बस यही है। और देखिए फूल भी कितने सुंदर है, फूल भी अभी भी देखिए, तो ये जो आम का पेड़ भी देखिए, अब आप देखोगे छोटे छोटे आम का पेड़ में फूल भी आ गए हैं, आम भी हो गए हैं किसी किसी का, ये बाढ़ का लिए प्रोविजन किया हुआ है, और यहाँ बहुत सारा फर्टिलाइजर रखा है, देखिए आम का फूल भी आ गया। तो देखने में ये सुंदर है क्योंकि वीकेंड में आप आओ आराम से, सब कुछ भूल के 2 दिन यहाँ रुक के आप जाओ, और तरोताज़ा होके जाके फिर काम में आप लगा सकते हो मन को। सामने जो है वो क्लब हाउस है, आप उधर आपका कोई पार्टी हो गैदरिंग हो वो कर सकते हो। और इतना पाथवे देखिए कितना अच्छा है, और थोड़ा नेरो किए हैं जो आप कार को नहीं ला सकते हो अंदर, तो मुझे तो इतना पसंद आया। आप तो देखते होंगे ब्लॉग में मेरा गार्डनिंग फार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लॉग है, मुझे तो पेड़ पौधे ही पसंद है, इसीलिए ही मैं भुवनेश्वर से ये काफ़ी दूर है, 30-40 किलोमीटर्स दूर है, और बहुत ही जंगल के अंदर है, लेकिन फिर भी मुझे पसंद है। मुझे तो अकेले आके भी, मैं सोच रही थी जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी यहीं आऊँगी, बहुत सारा बुक्स लिखूँगी। वॉक कर करके आपका चलिए ये थोड़ा जो मैं जितने भी पाथवे में साइड साइड में कॉटेजेस सो है थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। ये चारों तरफ ब्यूटीफुल प्लांट के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे जो कॉटेज है उसके अंदर बिल्डर ने सब कुछ दिया रखा है, एक बेडरूम है टोटल, ये जो कॉटेज है 600 स्क्वायर फीट की है, और उधर अंदर आपका बेडरूम में बेड है और डाइनिंग रूम है, और छोटा है लेकिन डाइनिंग टेबल है, और एक सोफ़ा भी दिया हुआ है बैठने के लिए, और एक किचन है, किचन में आराम से आप जाके कुकिंग करके 2-3 दिन आराम से रह सकते हो, और सामने लाइब्रेरी है, और पीछे तो आपने देखा गैदरिंग के लिए रेस्टोरेंट भी है और क्लब हाउस है, सब कुछ दिया हुआ है। सिर्फ आप आओगे शांत मन से 2-4 दिन पूरा रिलैक्स होके जाओगे, और छोटा सा पॉन्ड जैसा है उधर, चारों तरफ बेंच है आप बैठ सकते हो। ये भी जो कॉटेज है काफ़ी वेल मेंटेन है, और किसी का घर सेम ही है, सिर्फ कॉटेज नंबर डिफरेंट है,
और घर के अंदर अब अगर जाओगे कॉटेज के अंदर बाउंड्री के अंदर, आपके अनुसार ही आपका पेड़ है। जैसे ही आप सोचोगे कि मेरा आम पेड़ चाहिए, मेरा पाइनएप्पल चाहिए, वही है सब कुछ। कोई सपेटा लगा है, कोई लीची है, मेरा बहुत सारे कोकोनट है, लीची है, और मैंने कुछ आयुर्वेदिक प्लांट भी लगा हुआ है। और ये मैं चल चल के आ गई, सामने जो घर दिख रहा है और लाइब्रेरी है और मेंटेनेंस हाउस भी है। ये पेड़ तो पूरा भर्ती हो चुकी है आम का फूल से। और ये है जो आप देख रहे हो क्लब हाउस। मैं तो चारों तरफ घूम घूम के मैं थक नहीं रही हूँ, मैं काफ़ी एंजॉय भी कर रही हूँ। और मेरे पापा आ रहे हैं, वो काफ़ी ट्राई कर रहे हैं जे कैसे भी हो वो गार्डनर आ जाए, और थोड़ा की दे देने से हम लोग घर को खोल के देख सकते हैं जे मेरा फर्नीचर वगैरह 1 साल से ठीक है कि नहीं। तो मेरे पापा हाय बोलने हैं आप सबको। गार्डनर फ़ोन उठाया लेकिन वो काफ़ी दूर में रहता है गांव के अंदर, तो आज वो नहीं आ पाएगा। कोई बात नहीं, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कॉटेज, इसमें तो सपेटा आ गया है, कितने बड़े बड़े सपेटा हो गए हैं इतने छोटे से प्लांट के अंदर। और काफ़ी वेल मेंटेन भी हुआ है कॉटेज को। आप जितने अच्छे से रेगुलर आओगे उतना ही आप देख सकते हो कॉटेज को, क्योंकि खुद का प्रॉपर्टी है और आप खुद इंटरेस्ट लोगे तो वो पेड़ भी इतने अच्छे से ग्रो करेंगे। आपको कैसा लगा? मुझे तो मन के अंदर इतना शांति है। ये सब देख के आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत जान जाएंगे कि मैं क्यों इतना नेचर को प्यार करती। तो आज मैं यही रखती हूँ। आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा, और लाइक करना मत भूलिए। और चल आ जाइए, अभी मैं जा रही हूँ। तो ये बहुत ही जंगल के अंदर ये है। तो चलिए आज के ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ। बाय बाय बाय।